तो गाइस यहाँ पे आज में ये नई पेंसिल कलर है ब्रूस्टो की 72 का सेट है। यहाँ पे बहुत सारी पेंसिल है, देख सकते हैं दोस्तों 72 कलर का ऑलमोस्ट एक बहुत ही पुराना है। तो आज मैं इसे तोड़ना चाहता हूँ और फिर से इसका यूज़ करेंगे। तो गाइस ये हमारी ब्रूस्टो की नई पेंसिल, ये यहाँ पे इसका देखिए कितनी इसका हम लोग यूज़ करेंगे और कलर हमको मिलेंगे बहुत सारे। तो आज से दोस्तों इसका यूज़ कर। तो गाइस राजपाट लुटाने के बाद, राजपाट का दान देने के बाद राजा हरिश्चंद्र पैदल चलते चलते अपनी रानी और अपने बेटे रोहित को लेकर काशी पहुंचते हैं, जहां पे अभी तो पानी भी नहीं पिया होता गंगा का। वहां पे विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे आज के आज दे दें। 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने, अगर आज नहीं दोगे तो मैं तो श्राप दे दूंगा और तुम्हारे पूर्वज भी उस श्राप में जलते रहेंगे। इस प्रकार का श्राप देने पर तुम्हारी सारी ख्याति नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद हरिश्चंद्र काशी विश्वनाथ के घाट पे चले जाते हैं और वहाँ पे जहाँ पे इंसानों की बोली बोली जाती है, इंसानों की बिक्री होती है, वहाँ पे वो खुद को और अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को विश्वामित्र को जो 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होती है उसके लिए बिक जाते हैं। तो यहाँ पर रोहित को एक ब्राह्मण खरीद लेता है 300 स्वर्ण मुद्राओं और रानी तारामती को भी वो 500 स्वर्ण मुद्रा में खरीद लेता है, जिसे वो दासी बना के अपने घर लेके चला जाता है। और उसके बाद वहाँ पे एक चांडाल यमराज, जो कि क्षत्रिय नहीं होने चांडाल होते हैं, जो कि डोम का रूप लेके, जो कि स्मशान में रहने वाला एक डोम होता है जो कि चांडाल जिसे कहते हैं, उसका रूप लेके अंत में राजा हरिश्चंद्र को भी वो खरीद लेता है 300 स्वर्ण मुद्राओं में। और ऐसे करके 1100 स्वर्ण मुद्राएँ राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को दे देते हैं। उसके बाद विश्वामित्र वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी परीक्षा के लिए वो तत्पर रहते हैं। और फिर ये कठोर परीक्षा होने के बाद यमराज हरिश्चंद्र को चांडाल के कपड़े पहना लेता है और उन्हें कहता है कि तुम अब हरिश्चंद्र घाट यानी कि काशी के घाट पे जाके बैठो और वहीं पे अपनी जो कर्म है उसे करो। तो ये वाला पिक्चर यही है दोस्तों, यहाँ पर ब्राह्मण जो है कि अब उनके बच्चे को लेके जाता है। और ये वाली जो कि मेरी ब्रूस्टो की नई पेंसिल है, 72 कलर है, इसके अंदर 72 शेड्स है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही क्लासी इफेक्ट आ रहा है, रियलिस्टिक इफेक्ट आ रहा है, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है बनाने में। और देखिए इसकी इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से दिख रही है। अब देखिए रिज़ल्ट कैसा मिल रहा है। यहाँ पे हरिश्चंद्र, तारामती और रोहित और एक ब्राह्मण, तो बहुत ही सुंदर है इफेक्ट। 150 GCM का ये पेपर है, A3 साइज़ का ड्राइंग बुक है सुंदरम का और बहुत ही बढ़िया बनाए मेरे हिसाब से। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी कहानियां हर रोज़ मैं यूट्यूब पे रखता हूँ। उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।